केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दुर्ग दौरे के दौरान जिला पंचायत सभागार में केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। अब तक हुए कार्यों का जायजा लेकर हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का मुआयना किया और समीक्षा बैठक की। फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग के जिला पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग जिला निगरानी समन्वय समिति की बैठक ली और बैठक में सभी विभागों की सिलसिलेवार चर्चा की। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम नीतियों और योजनाओं की समीक्षा भी उन्होंने की, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, सुशासन व गरीब कल्याण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लेखा जोखा लिया। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आदेशित किया और कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के हितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। कई योजनाओं को लागू भी किया गया है, इसलिए इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन बेहतर प्रचार प्रसार करे और हर व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के पश्चात केंद्रीय इस्पात मंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र में हो रहे हादसों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संयंत्र में इस तरह के हादसों की संख्या कम हो, इसके लिए संयंत्र को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आती है, अपने तरीके से प्रयास करती है, परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि इन 3.5 वर्षों में आज भी जो जिस कमिटमेंट के साथ हम आए थे वो कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रेज जी ने ये जरूर अनुभव आया है, मैंने आज अनुभव के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा अपना प्रदेश भी रहा है। मैं इस प्रदेश का मूलतः वो पहले भी मैं प्रवास करता था, आज भी कर रहा हूँ, भले छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद। हमने पुरानी सरकारों को भी हमने देखा है, मैंने उस समय योगी जी के टाइम में भी मैंने आता था, बाद में डॉक्टर साहब के समय में भी हमने जितना अच्छा है, हमारा विकास एक आधार है और हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते विकास को हमने अपना आधार बनाया और इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि जितना काम हमने उस समय किया, आज की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आप देखेंगे तो आपको अंतर आएगा। केवल वोट की राजनीति हम नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। परंतु जैसा हमने किसानों के बारे में भी कहा कि शायद ऐसा कुछ देखने में आया नहीं है। जो मंत्री उनके नाम पर इस प्रकार का अगर उपयोग करता है तो ये ठीक नहीं है, और इसी के कारण ये जो अशांति का माहौल बनता है, ये अनावश्यक पत्थरबाजी करना कौन कर रहा है, क्या है। हम तो सरकारों से कहेंगे कि अगर इस प्रकार के गलत काम करने वाला, शरारती करने वाला, पत्थरबाजी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस पर सरकार को अधिकार है राज्यों को कि उस पर कार्रवाई करे, और अपने आप इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इस प्रकार का माहौल खराब होता है, उसको हम रोक सकते हैं। पर सरकारें नहीं चाहती, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल हो और इससे हमारा एक राजनीतिक इजाफा हो, किसी समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। हम लोग बड़े पुराने समय से देख रहे हैं कि आजकल जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस ने देश में, समाज में पैदा किया है, तो शायद इसका खामियाजा कांग्रेस आज भोग रही। तो क्या कांग्रेस नीत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नहीं चाहती कि शांति बने रहे? देखिए, चाहे कोई भी हो, और ये मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे आपने स्वयं अनुभव किया, हम लोग भी है, इतने सालों से हम लोग काम करते हैं, कभी इस प्रकार का माहौल नहीं बना, ये पहली बार देखने को मिला है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा करना, क्योंकि माहौल को खराब करना है तो अशांति पैदा होगी, पर इस प्रकार का प्रयोग ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों को किसी न किसी जिले में भारत के कोई भी राज्य, ऐसे जो दो जिले हैं, हमको इस 15 तक ये हमारी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद हमने जो भी हमने किया है, आपने देखा होगा, जो हितग्राही है, हितग्राहियों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और इसलिए जितनी योजनाएं हमने संचालित अभी तक की, चाहे प्रधानमंत्री आवास का आप देख लीजिए,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखी, स्वनिधि देखी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का आप देख लीजिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को देख लीजिए। इसलिए हमारा ये जो टारगेट है हसन गरीब, और इसके कारण इन योजनाओं को एक बार जिलों के अंदर जाकर के प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऑफिशियली भी हम अधिकारियों से भी हमने बैठक किया, पब्लिक से भी हम बातचीत करेंगे, बेनिफिशरी से भी संपर्क करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। और ये शायद मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार का एक प्रयोग है इन 8 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी की से संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे कई निर्णय पिछले समय हुए, लोगों को शायद ये अंदाज भी नहीं था कि कभी इतना रिस्पॉन्स इन योजनाओं का मिलेगा, परंतु आज जब योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि आज देश के ये जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसलिए अभी आपको ध्यान होगा कि हमने 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का भी निर्णय अभी हमने किया है, और ऐसे हमारे इस ग्रुप के अंदर भी हमने 75 ऐसे तालाब निर्माण करने का हमने टारगेट रखा है। माननीय सांसद जी ने भी इस बात को देखा है, और नल और जल योजना गांव तक पहुंचाने का, ऐसे 5 गांव जो कंप्लीट 100% हमने पूरा किया है, उनको सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का, उस घर तक पहुंचाने का निर्णय भी सरकार ने किया है उस योजना के अंदर। ऐसे अनेक योजनाएँ, और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है जब मैं दुर्ग आया हूँ, वैसे मुझे गढ़चिरौली चंद्रपुर भी जाना है, परंतु मैं पहला मेरा प्रवास है दुर्ग का, मैंने इसलिए लिया कि ये हमारा पड़ोसी और हमारा पुराना अपना जिला कहें, प्रदेश कहें, छत्तीसगढ़, तो इस नाते मैं आज यहाँ आया हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों से भी मिलकर के भी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी और हितग्राहियों से। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।